प्लान भी बहुत जल्द एग्जीक्यूट होने वाला है, इसलिए अब छोटी छोटी चीज़ें इसमें लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। बियर समझ कर ना पिए बिहार में, क्योंकि बियर बैंड है, फ्री का सामान, पीरियड गुल हो जाएगा। चमकता हुआ सितारा जो दोनों तरफ चमक रहा है एक साथ, इसको बोलते हैं हैजार्ड। एंड मेरे बाइक पे देख सकते हैं बैलेंस कौन की हुई है, गुप्ता। फिर से बोलो रिटेक। और ये रहा मेरा हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो मनीष पे कैन विद द न्यू वीडियो गाइस। तो गाइस फिर से आप लोगों का एक नए ब्लॉग में स्वागत है, एंड आप लोग अभी से लेकर के अंत तक ब्लॉग में बने रहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ ब्लॉग में होता रहेगा। सबसे पहले हम लोग रूम से निकलते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग देख सकते हैं श्याम ऑटो के पास आए हैं अपने टाइजन पे ये लेगर लगवाने के लिए। और आप देख सकते हैं ये चार रॉड वाला हमने वो लेगर लगवाया बाइक पे। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइए। और हाँ जी, आप ये जो गाड़ी में लेगर लगवाने का जो रीज़न है, ये मेरा दूसरा प्लान का हिस्सा है जो आप लोगों को मैंने बताया था। ये प्लान भी बहुत जल्द एग्जीक्यूट होने वाला है, इसलिए अब छोटी छोटी चीज़ें इसमें लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही जल्द लॉन्ग ट्रिप पर जाने वाला है, तो इसलिए पूरा तैयारी चल रहा है। और वो लॉन्ग ट्रिप कहाँ हम लोग जाने वाले हैं वो अभी तो नहीं बता सकते, उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। जब धीरे धीरे करके सारा कुछ जब लग जाएगा गाड़ी में, तब मैं जा कर के आपको एग्जीक्यूट करूँगा प्लान कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं लंबे टूर के लिए। तो देखते हैं, लगा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक प्रॉपर फोटोज या प्रॉपर एक वीडियो दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है। तो गाइस फाइनली मेरा गाड़ी का जो कुछ भी लगवाना था सब कुछ लग गया, बस एक चीज़ को छोड़ करके। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ घर पहुँचने के बाद अच्छे से, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा धूप है कि मेरा हालत आप लोग देख रहे हो, हालत ख़राब है। और एक्चुअली अभी हम लोग आए थे, पीछे देख रहे हो मेरे, ये इस्कॉन टेम्पल के बाहर थे, क्योंकि आज यहाँ से शोभा यात्रा निकलना था, लेकिन एक्चुअली हम लोग लेट हो चुके हैं, निकल गया शोभा यात्रा। और हम लोग जाते क्योंकि शोभा यात्रा फिर इनकम टैक्स से रिटर्न इधर ही आएगी इस्कॉन टेम्पल के बाहर, तो हम लोग जाते हैं वहाँ पे शोभा यात्रा, और शोभा यात्रा ज्वाइन करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। एंड गाइज आपको एक बात बताना भूल गया कि शोभा यात्रा किस चीज़ का निकला है। तो शोभा यात्रा निकला हुआ है भगवान जगन्नाथ जी का। तो हम लोग जाते हैं और शोभा यात्रा ज्वाइन करते हैं, फिर आगे की बात आगे करते हैं आपसे। गाइज फाइनली हमारे एक दो मित्र मिल गए हैं, एक है वहाँ राजीव भैया, हाय भैया, ये मित्र है, ये लोग ऑलरेडी पहले से यहाँ शूट कर रहे थे। और हमें नज़र पड़ा दूर से, बहुत ही दूर से धीरज भैया को नज़र पड़ा था कि वहाँ कुछ मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा है। हम लोग शोभा यात्रा का फ्री का सामान फ्री और गुल हो जाइए। फ्री का सामान जहाँ मिलता है ना, वहाँ एक्चुअली नज़र ज़्यादा पड़ता है। तो हम लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे थे, तो इंतज़ार करते हुए जब नज़र पड़ा यहाँ पे पानी वानी या कुछ तो नींबू पानी या जो भी मिल रहा है, तो हम लोग जा करके लिया जाए। देख सकते हैं क्या है धीरज भैया, तो ये चीज़ है, यहाँ पे व्यवस्था टाइट है इस चीज़ का। पीजिए चेयर्स। बियर समझ कर ना पिए बिहार में, क्योंकि बियर बैंड है, ये चीनी पानी है। तो गाइस इस गर्मी में अगर ये चीज़ जो हमने अभी पिया है, अगर ये चीज़ का व्यवस्था है तो बहुत ही अच्छा है। तो बहुत ही अच्छा किया जा रहा है, और अच्छा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इतना गर्मी है और इतना लोग हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं अभी रोड पे शोभा यात्रा के वजह से, क्योंकि एक भी कचरा रोड पे नहीं, सब बैक टू बैक सब कचरा यहाँ पे साफ किया जा रहा है। देख रहे हैं आप भी कि जितना ही कचरा हो रहा है सब साफ किया जा रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छा है जो भी कर रहे हैं, और ये चीज़ एक जगह नहीं, आगे भी बहुत सारे जगह पे हर जगह ऐसी व्यवस्था किया गया है। तो गाइस फाइनली 2 घंटे इंतजार करने के बाद हम लोग का जो
अरे नहीं भी आता है, 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं यार, ऐसे मत बोलिए। 2 घंटे से इंतजार करने के बाद जो शोभा यात्रा जो उधर गई थी वहाँ से यूटर्न लेकर के अब इधर को आ रही है, तो इधर को आ रही है तो मिलिए उसके बाद हमारे रामा भैया से, जो क्या बोलते हैं ये जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ शोभा यात्रा के पोस्टर पार्टनर है ये द सेट्स रामा शंकर भैया, हमारे बड़े भैया, तो बहुत ही बड़े सेलिब्रिटीज हैं। बस सीख रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं ना, आजकल सेलिब्रिटी आजकल सेलिब्रिटी लोग भी सीखने लगे हैं। मैं आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया, और ये साथ साथ में ब्लॉगिंग भी करते हैं। बट रामा भैया आज आपका ब्लॉग शूट हो रहा है क्या? हाँ हाँ, जी द सेट्स पे। तो गाइस फाइनली इंतजार हो चुका है खत्म, गाइस। फाइनली मैंने आप लोग को वहाँ पे लेग गार्ड दिखा रहा था मैं, और ये लेग गार्ड आप देख सकते हैं जो मैंने लगवाया है बाइक में, अच्छा लग रहा है, और यही वाला अच्छा लग रहा है। मैं तो दूसरा लगवा रहा था, क्रैश गार्ड लगवा रहा था, लेकिन धीरज भैया मना कर दिए ये कि वो थोड़ा सा माल धोने वाला गाड़ी लग रहा है, इसलिए ये आकर के चेंज करवा दिए, बोले कि नहीं ये लगाओ। एंड गाइज ये मेरे को पड़ गया लगभग आपको 2100 रुपया लेग गार्ड का, एंड 200 रुपया इसका फिटिंग चार्ज का लग गया, टोटल 2300 रुपया। और मेरे गाड़ी में एक और चीज़ नया देख सकते हैं, ये चमकता हुआ सितारा जो दोनों तरफ चमक रहा है एक साथ, इसको बोलते हैं हैजार्ड। एंड ये हैजार्ड
इसमें पहले से ऑलरेडी फिटेड नहीं था, ये हम लगवाए हैं एक्स्ट्रा, देख सकते हैं एक्स्ट्रा बटन दिया हुआ है इसका। और ये यहाँ हेडलाइट से कनेक्ट कर करके वहाँ ये वायर ले गया गया है, और जिससे ये चलता है। और ये देख सकते हो 5 तरह का चेंजिंग लाइट है, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये चीज़ मैंने लगाया, और ये चीज़ मेरे को पड़ गया लगभग 500 रुपये का टोटल फिटिंग वुटिंग करके। तो टोटल मेरे को लगा 2800 रुपया, लगभग 3000 रुपया लगा मेरे को। और गाड़ी में ये दो चीज़ें नया ऐड हुआ है। एंड मेरे बाइक पे देख सकते हैं बैलेंस कौन की हुई है, गुप्ता जी। वो मैंने तुमको बहुत मिस किया, शोभा यात्रा में तुम नहीं थी, लेकिन तुम्हें होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ होना सौभाग्य का बात होता, तुम्हें पता ही नहीं था। और हम इसलिए नहीं बताएं कि तुमको फिर ऑफिस से तुम छुट्टी ले लोगी, अभी घर जाने के लिए तुमको छुट्टी चाहिए, तो इसलिए हम तुमको बताना ज़रूरी नहीं, इससे सीधा बताया कि हम वहाँ पे हैं। क्या मस्ती करने में थोड़ी, हमको तो पहले से पता था 4 दिन पहले से, लेकिन हम तुमको बताना ज़रूरी नहीं समझे, क्योंकि हम जान रहे थे तुम छुट्टी ले लोगे, इसलिए तुमको नहीं बताएं। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा था, जाती तो बेकार, मतलब मैं जाके क्या करती, बहुत गर्मी था सही में, और मजा आता है गर्मी, और मजा आता है, पानी फेंकते रहते हैं लोग, पानी तो फेंक रहा था लेकिन बहुत गंदा लग रहा था, बहुत गंदा। गाइस सब कुछ खत्म होने के बाद एक छोटा सा ब्रेक बूम के साथ, मोमोज के साथ, मोमोज खाना है। और यहाँ का मोमोज इसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है यहाँ, फिर से बोलो रिटेक। मोमोज के साथ ये 3 वैरायटी का चटनी, जो इसको बहुत ही पसंद आता है।